हमने अब फिर यहाँ भी इसका अनुभव है। मैं आज इस महीने के सदस्य हूँ। डॉक्टर प्रदीप अपने साथ को बुलाने से पहले दर्शकों के उनके डॉक्टर की शक्ति थे बहुत से हमारे और हर हमारा निहाय भी बहुत बड़े है। डॉक्टर इस उम्र के अंदर आज के बड़े अस्पताल को चला रहे हैं। मेरे इंडिया में खड़े हैं डॉक्टर मोमिनी की जो समाजी सरकर्मी है उन्होंने बसाए हैं कराची में सबसे आगे यहाँ गोली चल रही होती डॉक्टर नदी पर भी आगे लगा हुआ है और बेहतरीन लहजे के शायर है। मैंने आशा भाई ने जब किया तो मैंने डॉक्टर से तलाश की कि मेरा घर है मेरा इलाका है तशरीफ ले जाइए ताकि कराची शहर की नुमाइंदगी मिले। डॉक्टर मैं अपनी तमाम नदी का शुक्रगुजार है शराय करा खुशनुदी खान वादे अबू तालिब बलंदर सलावात। नारोवाल में यहाँ के ये बखौल आप सबके लिए पहली महफिल है लेकिन लग नहीं रहा कि ये कोई पहला जश्न। माशाल्लाह से आमादा थे इतना लोग सुनने के लिए कि कराची जैसी जगह पे जहाँ भी इकबाल भाई ने जिक्र किया कि रिहान अकेडमी के जरिए इंतजाम जब महफिल हुई थी हजारों का मजमा था वहाँ भी इतनी बेदार समातें नहीं थी जितनी बेदार समातें यहाँ मौजूद हैं। इकबाल भाई के बड़े कारनामे मैंने इन्हें यूरोप में भी काम करते हुए देखा। मैं खुद तो वहाँ जा चुका हूँ इनका मेहमान रह चुका हूँ। बहुत अच्छे मेज़बान हैं बहुत अच्छे मुंतजिम हैं। जिस अंदाज से इन्होंने ये महफिल सजाई और शोरा को बुलाया और आप लोगों को शामिल किया इसमें खुदा इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। हुक्म था इकबाल भाई का तो इन्होंने जिस वक्त फ़ोन किया मुझे मैंने इन्हें एक शेर उस वक्त सुनाया कि बसत खुलूस बसत एहतराम लिख देना बसत खुलूस बसत एहतराम लिख देना जहां हो जिक्र अली मेरा नाम लिख देना। मौला के जिक्र के लिए जहां भी बुलाएंगे जैसे भी बुलाएंगे और अगर हमारे उसमें हुआ हालांकि इकबाल भाई को पता है कि कुछ डेलीगेशन आया हुआ था मेरा एक बहुत अहम लेकिन मैं उनसे इजाजत लेके यहाँ वादा था तो आया हूँ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। और वजह सिर्फ वही है कि ज़ाते ग्रामीय खदर हजरत मौला अली इब्ने तालिब का जिक्र किया जाए। जो लोग बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है अगर वो अंदर आ सकते हैं तो आ जाएं। कुछ कतार पेश करके कुछ माहौल बनाऊंगा यकीनन। हमारे दरमियान 10 शुआरा थे अगर हर एक ने 20 अशार पढ़े तो 200 अशार तो आप तरह पे सुन चुके हैं।
और 200 अशआर सुनने के बाद यकीनन मज़ामीन तकरीबन एक से होते हैं, कुछ नया मज़मून निकालना, कुछ ये करना इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि कुछ नया आपको यहाँ दे के जाऊँ। एक खते से पहले, सबसे पहले इकबाल भाई एक शेर देखिएगा आपके लिए कि लबों से हर्फ निकले तो खरीना बोलता है। ये अपने आप को क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद आप जाने और मेरे अशार जाने। लबों से हर्फ निकले तो खरीना बोलता है, मेरे अशार में मेरा अकीदा बोलता है। तो अब मेरा अकीदा आपकी बेदार समातों की नजर, खुश नसब समातें, खुश नसीब साथें। जब सूरज गुरूब हुआ था तो 13 रजब का ऐलान हो गया था और अब तो 12 बज गए हैं, शमसी एतबार से भी दिन बदल चुका है। तो अब दोनों शम्स व कमर मौला की चौकट पे सजदा रेज हैं। ऐसे आलम में वक्त मिला है तो देखिए जरा कि ख्वाहिश दिल है इसे लब पे मेरे आने दो। हुजूर देखिएगा, ख्वाहिश दिल है इसे लब पे मेरे आने दो, खाक में कर्बो बला की मुझे मिल जाने दो। चौथे मिसरे पे आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहूंगा। ख्वाहिश दिल है इसे लब पे मेरे आने दो, खाक में कर्बो बला की मुझे मिल जाने दो, काश हमसाया ए बहलोल बनू जन्नत में। चौथे मिसरे पे आखिरी आदमी तक तवज्जो, जो बाहर तक आदमी है। ख्वाहिश दिल है इसे लब पे मेरे आने दो, खाक में कर्बो बला की मुझे मिल जाने दो, काश हमसाया ए बहलोल बनू जन्नत में, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। ख्वाहिश दिल है इसे लब पे मेरे आने दो, खाक में कर्बो बला की मुझे मिल जाने दो, काश हमसाया ए बहलोल बनू जन्नत में, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। और चार मिसरे और पेश करूंगा। देखिए कि कहते हैं जिसे नूर वो जुल्मत से जुदा है, कहते हैं जिसे नूर वो जुल्मत से जुदा है, ये फैसला माबूद हकीकी ने किया है। चौथे मिसरे पे खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। कहते हैं जिसे नूर वो जुल्मत से जुदा है, ये फैसला माबूद हकीकी ने किया है, क्यों खबरे पैगंबर से ना आए ये सदाएं, क्यों खबरे पैगंबर से ना आए ये सदाएं, मखमल में कभी टाट का पेवंद लगा है। क्यों खबरे पैगंबर से ना आए, जो मदीने गए जिन्होंने देखा है कि कौन पहलू में दफन है और किस तरह मखमल में टाट का पेवन लगाने की कोशिश की गई है, क्यों खबरे पैगंबर से ना आए ये सदाएं, मखमल में कभी टाट का पेवंद लगा है। और शहजादा अली असगर के हवाले से भी ये माँ जो उनकी विलादत कभी है। चार मिसरे और चौथे मिसरे पे खुसूसी तवज्जो चाहूंगा कि जुल्मते कुफर तेरे फैले हैं लश्कर काफी, जुल्मते कुफर तेरे फैले हैं लश्कर काफी, हैं मगर तेरे लिए शह के 72 काफी। जुल्मते कुफर तेरे फैले हैं लश्कर काफी, है मगर तेरे लिए शह के 72 काफी, और दीन बचाना था फकत जान के नजरानों से। चौथे मिसरे पे खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। दीन बचाना था फकत जान के नजरानों से, वरना आधा के लिए सिर्फ था असगर काफी, वरना आधा के लिए सिर्फ था असगर काफी, वरना आधा के लिए सिर्फ था असगर काफी। सलावात पर दिए बहुत कुछ आप सुन चुके हैं, जो भी हो सका। जब मैं कराची से चला था लाहौर आया तो 4 अशार हुए हुए थे, लेकिन सुना था कि पंजाब की जमीन बहुत जरखेज है, लाहौर से साहिवाल आते आते 14 अशार हो गए माशाल्लाह से। अब जैसे हुए नारोवाल आते हैं जी, सलावात पढ़ दिए एक दो बार।
तुझे शेख दुनिया में सदा रहना पसंद आया, तुझे शेख दुनिया में सदा रहना पसंद आया, हमें इश्क अली में शान से मरना पसंद आया। तुझे शेख दुनिया में सदा रहना पसंद आया, हमें इश्क अली में शान से मरना पसंद आया। और नुसैरी को भला क्या दोष देना क्या बुरा कहना, उसे भी तवज्जो चाहूंगा आखिरी आदमी तक। नुसैरी को भला क्या दोष देना क्या बुरा कहना, खुदाई के लिए उसको खुदा जैसा पसंद आया। नुसैरी को भला क्या दोष देना क्या बुरा कहना, नुसैरी को भला क्या दोष देना क्या बुरा कहना, खुदाई के लिए उसको खुदा जैसा पसंद आया। और नबी के तारीखी हकीकत बता रहा हूं, जो तारीख से आ गए बुजुर्ग सब आ गए, बच्चों के लिए शेर है देखिए, कि नबी के घर की लड़की के लिए रिश्ते बहुत आए, नबी के घर की लड़की के लिए रिश्ते बहुत आए, मगर रब को अबू तालिब तेरा लड़का पसंद आया। उसने समाप्त नबी के घर की लड़की के लिए रिश्ते बहुत आए, नबी के घर की लड़की के लिए रिश्ते बहुत आए, मगर रब को अबू तालिब तेरा लड़का पसंद आया, मगर रब को अबू तालिब तेरा लड़का पसंद आया। शोहरा की खिदमत में खासतौर पर ये शेर है देखिए, कि अली के इश्क में दीवानगी दानाई लगती है, अली के इश्क में दीवानगी दानाई लगती है, खुदा को भी खुदा शाहिद ये दीवाना पसंद आया। अली के इश्क में दीवानगी दानाई लगती है, खुदा को भी खुदा शाहिद ये दीवाना पसंद आया। और मैं उसका जिक्र करता हूं जो क़िबले का भी क़िबला है, जिन्हें अब तक कुछ भी नहीं पसंद आया इसमें से, ये शेर उनके लिए है, ये शेर उनके लिए है, और पसंद आया है तो सलावात पढ़िएगा फिर बाद में शेर सुनिए। और काफिया देखिए जरा, मैं उसका जिक्र करता हूं जो क़िबले का भी क़िबला है, मेरे होंठों से जिक्र लापता क़िबला पसंद आया। दोबारा पढ़ता हूं मैं उसका जिक्र करता हूं जो क़िबले का भी क़िबला है, मैं उसका जिक्र करता हूं जो क़िबले का भी क़िबला है, मेरे होठों से जिक्र लापता क़िबला पसंद आया। तो दुरूद पढ़ दीजिए ना।